हेलो एंड नमस्ते। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद एग्जैक्टली आपको कैसा फूड चूज करना चाहिए। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद आपके बॉडी के मसल मास को मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, तो इसीलिए ही हम हमारे हर एक पेशेंट्स को इंसिस्ट करते हैं कि वे मेक श्योर करें कि वे अपने हर एक मील में प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ को हो सके उतना ज़्यादा शामिल करें। तो प्रोटीन बेस्ड आहार को आप पहले लें, जैसे कि पनीर, टोफू, बीन्स या फिर एग्स, चिकन, बीफ और फिश जैसी फूड आइटम्स जिसे स्टीम्ड, ग्रिल्ड, बेक्ड या फिर बॉयल करके पकाया गया है। साथ ही हेल्दी फाइबर बेस्ड वेजिटेबल्स लें, जैसे कि स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स या फिर ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। और अगर ये दोनों लेने के बाद भी अगर आपको ये फील होता है कि आपका पेट भरा हुआ महसूस नहीं करता है, तो फिर आप चावल या फिर रोटी के बेस्ड कोई भी फूड आइटम्स को चूज करें। सो व्हाट बेसिकली वी वांट टू से हियर इज हैव योर प्रोटीन्स फर्स्ट फॉलोड बाय योर फाइबर्स एंड देन गो फॉर द कार्ब्स। तो ये थी हमारी एक जनरल एडवाइस। पर अगर आप कहीं बाहर गए हैं कोई सोशल गैदरिंग्स में या फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं, तो क्या खाना है ये सोच के कंफ्यूज्ड न रहे। इधर हमारा एडवाइस यही रहता है कि आप मेन्यू में से जो एपेटाइजर्स का लिस्ट होता है उसे अच्छी तरह से देखें और फिर उसमें से प्रोटीन और वेजिटेबल्स का जो भी आपको एक गुड कॉम्बिनेशन लगता है उसे आप चूज करें। बेरियाट्रिक सर्जरी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स से हमें संपर्क करें।